यूरो 2020 का चौथा क्वार्टर फाइनल्स आमने सामने इंग्लैंड और यूक्रेन की टीमें स्टेडियो ओलंपिको रोम में। इंग्लैंड के फैंस ने ऑलरेडी इट्स कमिंग होम के चांस लगाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इंग्लैंड के कोच गैरेथ साउथगेट ने एडवाइस किया है कि अभी कॉशियस रहना जरूरी है। इस मैच पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर गोलकीपर और जाने माने स्पोर्ट्स कॉमेंटेटर घोस मोहम्मद। घोस सर, इंग्लैंड ने अभी तक इस टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं कंसीड किया है, कितने प्रभावित रहे हैं उनके डिफेंस से आप? यूरोप में इतना टफ कॉम्पिटिशन है कि आप ये नहीं कह सकते कि किस दिन कौन परफॉर्म कर जाएगा। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और जो उनके क्रैच जो उनके जो कोच हैं उन्होंने सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने डिफेंस को मजबूत करते हैं। पहली टीम है जो खेल को ऑर्गेनाइज करती है। उन्होंने जर्मन के खिलाफ देखो पहले खेल को ऑर्गेनाइज करा है, फिर बैकफुट पे किया जर्मनी को, और जो रिकॉर्ड और आंकड़े जो थे वो सारे एक्सपर्ट भी बोलने लगे थे कि जर्मनी अपसेट नहीं करेगी, जैसे हमेशा जीतती आई इंग्लैंड के खिलाफ जीतेगी। इंग्लैंड को जो इस बार देखा उनकी जो मैच की जो टेम्परामेंट है वो अच्छा नजर आया, क्योंकि हर खिलाड़ी वो ईपीएल में अच्छे से क्लबों से खेलता है, प्रेशर लेने की क्षमता उनमें अच्छी है, और जिस तरह से उनके जो कोच हैं उन्होंने अपनी टीम को पहले कहा है कि शुरुआत धीमे कीजिए और जहां मौका लगे आप रहीम स्टर्लिंग का सहारा लीजिए, और उसके अलावा आप ये देखिए जॉर्डन सांचो हैं वो भी बड़ा अच्छा खेलते हैं बीच बीच में। तो इंग्लैंड के पास ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर खिलाड़ी बहुत अच्छा है। रहीम की ये बात है कि वो भी ये तो नहीं रोनाल्डो जैसा खेल तो नहीं है, पर वो भी फंस के खेलने में मजा आता है उसको। वो ओपन स्पेस में जाएगा लेकिन ओपन स्पेस से डिफेंडर से टक्कर लेता, उसको छाका के वो कोशिश करता, और जिस आए थे तो बहुत कम उम्र के थे, अब तो काफी मैच्योर्ड हो गए हैं। तो ये उनकी टीम का तुरुप का इक्का है। ताश में खेलता नहीं शायद मैंने सही कहा है कि नहीं, लेकिन ये खास खिलाड़ी है अपनी टीम का, और इनकी पूरी टीम बहुत सहजता से चल रही है। कोच जैसा कह रहे हैं वैसा खेल रही है। इनके गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड जिन्होंने बड़े कूल हैं, बहुत ही आराम से सहजता से खेलते हैं, उन्होंने जहां पेनल्टी किक की बात होती है उसमें भी वो बड़े प्रभावी हैं। तो कुल मिला के एक जो एक 11 खिलाड़ियों की टीम है और अच्छे उनके पास बेंच पे खिलाड़ी बैठे हैं, तो ये एक मजबूत टीम है, फिट टीम है और पूरी तरह ऑर्गेनाइज होकर खेलने वाली टीम है। एब्सोल्युटली। और दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ का जब आप आकलन करें तो कैसे कंपेयर करेंगे इसे? यूक्रेन की जो बात है वो ये है कि वो टोटल डिफेंसिव खेलने में यकीन नहीं रखते, उनका इरादा शुरू से ही अटैकिंग फुटबॉल का रहता है, पर इंग्लैंड के पास मिश्रण है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो डिफेंसिव भी होते हैं, अटैक भी करते हैं, मिडफील्ड को बहुत यूज करते हैं। जहां पे किसी भी टीम की मिडफील्ड एक मजबूत पक्ष होता है वो अपनी टीम को आगे तक ले जाता है, ये मजबूत पक्ष इंग्लैंड का है। वो अभी तक एक संतुलित खेल खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक में धमाका किया दूसरे में फुस हो गए, नहीं, संतुलित खेल खेल रहे हैं, बैलेंस खेल खेल रहे हैं। उनकी डिफेंस पहले अपनी डिफेंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफेंस और मिडफील्ड का उनका जो तालमेल है वो बहुत बेहतर होता, फिर उसके बाद रहीम स्टर्लिंग को वो थ्रू दे के भगाते हैं, वो लेफ्ट विंगर के का इस्तेमाल करते हैं, राइट विंगर का भी इस्तेमाल करते हैं, और जो थ्रू देते हैं उसमें कोई भी खिलाड़ी सेंटर में आके बॉल को रिसीव करके गोल भेजने की क्षमता रखता है। सो क्लियरली इस मैच में फेवरेट्स का टैग तो इंग्लैंड के साथ अटैच्ड है, लेकिन अगर यूक्रेन इस मैच में इंग्लैंड को रोक सकती है तो किस रणनीति से रोक सकेगी? अगर इंग्लैंड को रोकना है एक ही चीज रोक सकती है कि लगातार अटैकिंग फुटबॉल यूक्रेन खेलती रहे, और वो सहजता के साथ नहीं खेलने दे इंग्लैंड को, जमने नहीं दे। जैसे इंग्लैंड शुरुआत में 10-5 मिनट लेती है अपनी बैटरी को चार्ज करने में, अगर ये बैटरी चार्ज नहीं करने दी यूक्रेन ने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अटैकिंग फुटबॉल खेलिए, तो परिणाम हैरानी कर देने वाला भी हो सकता है, चौंकाने वाला भी हो सकता है, पर मेरे ख्याल से ऐसी कम उम्मीद है, क्योंकि इंग्लैंड के कोच में और इंग्लैंड की टीम में हालात के मुताबिक चलने की क्षमता है। वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं, आप
जल्दी से दूसरी टीम को भाप लेते हैं, यही उनका मजबूत पक्ष है। तो मेरे ख्याल से अभी तक हम कह सकते हैं कि उनकी टीम एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रही है। समस्या तो ये नहीं कि कौन इसे हल करे, समस्या ये है कि पहल कौन करे। तो पहल इंग्लैंड कर चुका है। जर्मनी को जिस तरह उन्होंने शिकस्त दी, इतनी बार बार हारते हुए, और जर्मनी को ऐसा कर दिया कि जर्मनी की डिफेंस का पता नहीं चल रहा था कहाँ है, कहाँ खड़े होना है ना। जब जिस तरह दो गोल कंसीड किए, गोलकीपर उसमें कुछ नहीं कर सकता। जब आपकी जर्मनी की मिडफील्ड जो कि जबरदस्त टीम होती थी, वो मिडफील्ड चरमरा गई, फायदा उठाया इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने। तो ये बहुत चतुर टीम है, दिमाग वाली टीम है। तो लगता है यूक्रेन को वो क्रेन से उठा के साइड में कर सकती है। यूक्रेन ने डिफेंस में काफी फ्लेक्सिबल अप्रोच बनाए रखा है, इसका विश्लेषण कैसे करेंगे आप? देखिए, ये यूक्रेन तीन डिफेंस के साथ ज्यादातर खेलती है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि उनके जो मिडफील्डर हैं वो विड्रॉ करके खेलते हैं। वो जो तीन डिफेंस देखते हैं वो सिर्फ आपको कागज पर नजर आएंगे, पर वहां पे पांच पांच छह छह डिफेंस भी आ जाते हैं। तो वो क्या होता है कि ओवरलैपिंग ज्यादा करते हैं। यूक्रेन की टीम जो है फास्ट गति से खेलती है, डिफेंस करते करते ओवरलैपिंग पे करती है, शो ऐसा करती है कि तीन डिफेंडर के साथ हैं, लेकिन नहीं, जब उनके ऊपर अटैक होता है तो छह डिफेंडर नजर आते हैं। तो वो गैप, और गैप कौन ढूंढ सकता है जो इंटेलिजेंट फुटबॉल खेलता हो। ये इंग्लैंड की टीम में वो क्षमता है, वो अपनी इंटेलिजेंसी से यूक्रेन को मुश्किल में डाल सकते हैं। यूक्रेन जितना डिफेंसिव होगा उतना मुश्किल में आएगा, लेकिन ये है कि वैरायटी में लाना पड़ेगा। मिडफील्ड और उनकी जो डिफेंस है वो बहुत गजब का तालमेल रखना होगा, तब जाके वो इंग्लैंड की गलतफहमी दूर कर सकते हैं। इसमें गलतफहमी दूर करने के लिए 100% से ज्यादा यूक्रेन को खेलना पड़ेगा, और इंग्लैंड अगर जर्मनी वाली क्षमता से खेलता है तो कोई मुश्किल नहीं है कि वो मैच को जीत ले। So, although यूक्रेन इस मुकाबले के लिए अंडरडॉग है, लेकिन हमने इस टूर्नामेंट में देखा है कि अब तक कई मर्तबा फेवरेट्स को अंडरडॉग्स ने अपसेट किया है, ऐसा कुछ होते हुए नजर आ सकता है इस मैच में? जी बिल्कुल, राइट फ्रॉम द बिगनिंग अटैकिंग फुटबॉल खेलनी होगी, पूरी टीम को दौड़ना पड़ेगा। बॉल को होल्ड करने का मामला इंग्लैंड के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट फुटबॉलर है, उनको सोचने का मौका ना दें, बड़ी अटैकिंग फुटबॉल खेलें और इतनी गति से खेलें कि जब तक इंग्लैंड सोचे उनके पास लीड हो। और एक बार ये यूक्रेन जैसी टीम ऐसी है कि एक बार अगर अग्रता ले लेते हैं तो फिर ये दूसरी टीम को भेदने की क्षमता रखते हैं। जैसे आपने कहा कि जिन टीमों से उम्मीद नहीं है वो बेहतर कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से यूक्रेन उनमें है कि हम ये नहीं कह सकते इनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, वो उम्मीद को जागृत कर सकते हैं बहुत ज्यादा अटैकिंग, राइट फ्रॉम द बिगनिंग शुरुआत की दौर से तहलका मचाने और तेज गति से उनको अटैक करने पड़ेंगे, और पूरी डिफेंस फॉरवर्ड में जाए और पूरी अग्रिम पंक्ति पीछे आ जाए, और इसमें तालमेल मिडफील्ड करे तो कोई दो राय नहीं है कि इंग्लैंड को मुश्किल भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि क्या रणनीति के साथ शुरुआत करती है यूक्रेन की टीम। ये पहले 10 मिनट में साबित हो जाएगा कि कौन सी टीम जीतने जा रही है। Well, we just hope that it turns out to be a cracker of a contest. Thank you so much, Ghosh sir, इस मैच को हमारे लिए एनालाइज करने के लिए. And thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन बटन भी दबा दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग.